इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेटरी वीडियोस किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हम क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस को देखेंगे जिसके 4 स्टेप्स हैं। वीडियो के इस हिस्से में हम 2 स्टेप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है कि आप आउटलाइन किस तरह प्रिपेयर करें और दूसरा कि आप पावर पॉइंट किस तरह कंपोज करें। ये वीडियोज़ बनाने के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हैं FSE की, जिनमें से मेनली टेस्ट्स आते हैं, और इसके अलावा हमारे पास पास्ट एग्जाम्स हैं जिनको देख के हम पैटर्न का और किन टॉपिक्स में से ज़्यादा सवाल आते हैं इस चीज़ का आइडिया ले सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास 8 to 10 अगर पास्ट एग्जाम्स हों रीसेंट, तो उनसे हम एक अच्छा एस्टिमेट ले सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट बुक को और पास्ट एग्जाम्स को एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि पास्ट एग्जाम्स ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, मगर टेक्स्ट बुक में कई ऐसे टॉपिक हैं एटलीस्ट 15 to 20% जो पास्ट एग्जाम्स में कवर नहीं किए जाते। तो इस बेसिस पे हम अपनी स्ट्रेटजी ये बनाते हैं कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे जो पास्ट एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आते हैं। बाकी के टॉपिक्स को भी हम टच करेंगे मगर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस बेसिस के ऊपर हम अपना प्रोसेस बनाएंगे, जो कि ये होगा कि हम सबसे पहले टेक्स्ट बुक में से टॉपिक्स लेंगे, सब टॉपिक्स, एक चैप्टर के कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, या आप कह सकते हैं की वर्ड्स हैं या की कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर हम देखेंगे कि पास्ट एग्जाम्स में इन सब टॉपिक्स में से रिलेटेड कितने MCQs आए। यूँ हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी, फर्स्ट करें ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं 1, 2, 3, 4, और फिर मैं पास्ट एग्जाम्स में से देखती हूँ कि टॉपिक नंबर 2 में से 3 MCQs आए, टॉपिक नंबर 3 में से 5 MCQs आए, और एक MCQ आउट ऑफ द बुक इसको भी आया, इसको मैं 6 टॉपिक के तौर पे कंसिडर कर सकती हूँ। अब जो मेरी लेक्चर की आउटलाइन होगी, इसको 5 कहना चाहिए, सॉरी, अब जो मेरे लेक्चर की आउटलाइन होगी उसके अंदर ये 5 टॉपिक्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, मगर मेरे लेक्चर का मेन फोकस इन टॉपिक्स के ऊपर होगा, 2 और 3 के ऊपर, क्योंकि इनमें से एग्जाम्स आते हैं। बाकी के टॉपिक्स को हम ब्रीफली टच करेंगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हम लेक्चर बनाने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोसेस में स्टेप 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लेक्चर की आउटलाइन बनाना चाहते हैं, यानी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। इसके लिए जैसे मैंने स्ट्रेटजी में बताया, सबसे पहले हम बुक में से टॉपिक्स या की कॉन्सेप्ट्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और फिर दूसरे स्टेप में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम्स में से 1 by 1 उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि एक कीवर्ड से रिलेटेड कितने MCQs हैं। इस स्टेप के एंड पे हमारे पास एक आउटलाइन होनी चाहिए, आउटलाइन यानी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और हमने मैप करना है कि किस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास कितने MCQs हैं। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 में हम अपनी पावर पॉइंट कंपोज करेंगे, कंपोज से मुराद है हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में। स्टेप 3 में हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर रिकॉर्डिंग करेंगे, और स्टेप 4 में हम स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे कि फुटर ऐड करना या टाइटल स्लाइड्स ऐड करना। स्टेप 1 के पहले हिस्से में हमने बुक के अंदर से टॉपिक्स या कीवर्ड सर्च करने हैं, की कॉन्सेप्ट्स। उसके लिए बेहतरीन रिसोर्स है जो हर चैप्टर के एंड पे समरी दी गई होती है, जिसके अंदर बुलेट की फॉर्म में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस दिए गए होते हैं। यहाँ से आप एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स निकाल सकते हैं या की कॉन्सेप्ट्स जो चैप्टर में कवर किए गए, और इसके अलावा आप हेडिंग में से भी ले सकते हैं, मगर हेडिंग्स शॉर्ट होती हैं, उनके अंदर सारे चीज़ें शामिल नहीं होती, इसलिए सबसे पहले समरी को देखना चाहिए। स्टेप 1 के दूसरे हिस्से में हमने पास्ट एग्जाम्स में से एक्सट्रैक्ट करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके लिए पास्ट एग्जाम्स हमारे पास PDF की फॉर्म में होता है, और इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3 up to 50। मैंने हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखना है कि वो किस चैप्टर में से है, उसका क्या सब टॉपिक है, और चूंकि मैंने इनको पावर पॉइंट में डिस्कस करना है, इसलिए मैं एक एक MCQ को एज इमेज कट कर लेती हूँ PDF के ऊपर से।
ये मैंने कट किया और इसको मैं डायरेक्ट किसी पावर पॉइंट में भी डाल सकती हूँ, एज इमेज फाइल भी स्टोर कर सकती हूँ, एक्सेल में भी डाल सकती हूँ, आपकी मर्जी है। मैं इसको एक एक्सेल फाइल में सारे एमसीक्यूज को वन बाय वन मैंने कट पेस्ट किया एज इमेज, और फिर एक्सेल में मैं इसके साथ लिख दिया कि इस ये किस चैप्टर में से था, चैप्टर नंबर, और फिर इसका सब टॉपिक क्या है। यू मेरे पास एक पूरी सॉर्ट ऑफ डाटाबेस आ जाएगा। इस एक्सेल शीट में मैंने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मेरे पास एक एमकैट 2011 का एग्ज़ाम था, उसके एक एक क्वेश्चन को मैंने एज इमेज यहाँ पर पेस्ट कर लिया पीडीएफ से कट करके, और फिर हर एमसीक्यू के आगे मैंने लिख दिया कि ये किस चैप्टर में से है। इस तरह मैंने सब एमसीक्यूज को बना लिया। ये आप चैप्टर बाय चैप्टर भी कर सकते हैं या एक ही दफ़ा भी कर सकते हैं। ये एक एग्ज़ाम है मेरे पास, और फिर इसी तरह ये अगला एग्ज़ाम है 2013 का, इसके अंदर भी मैंने इस तरह किया, और फिर जितने भी मेरे पास एग्ज़ाम थे सब के लिए। ये करने के बाद मैं एक एक एमसीक्यू को फर्दर एनालाइज कर सकती हूँ कि इसका सब टॉपिक क्या है जो मैं इसके आगे लिख सकती हूँ। ये चैप्टर 13 है और ये मेरे ख्याल में ओहम्स लॉ में से है। इसी तरह दूसरा सवाल भी ओहम्स लॉ में से है। इसी तरह चैप्टर 14 का ये सवाल है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से रिलेटेड, यहाँ पर मैं CRO लिख लेती हूँ। ये मेरे पास सब टॉपिक्स आ जाएंगे, और फिर इन सब टॉपिक्स को मैं मैच कर लूँगी जो मेरे पास बुक में से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है उसके साथ। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली मेरी स्टेप वन की आउटपुट है, जो मैं चाहती थी मेरे पास एक आउटलाइन हो मेरे लेक्चर की। ये मैंने किस तरह बनाई, सबसे पहले मैंने बुक में से सब टॉपिक्स और कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई, और फिर मैंने पास्ट एग्जाम्स में से देखा कि किस किस सब टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आए हुए थे। ये एमसीक्यू फिर मैंने इधर इस लिस्ट के सामने डाल दिए कि वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड 3 थे, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड 4 थे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कोई नहीं था। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो बुक में एसेस कवर नहीं किया हुआ, लेकिन इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, इसको मैंने शुरू में डाल दिया क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो ऊपर वाली लिस्ट है, ये मेरी फाइनल आउटलाइन है आप कह सकते हैं। इस आउटलाइन की बेसिस पे मैंने अपने लेक्चर को कंपोज करना है, पावर पॉइंट को कंपोज करना है, जो हम अभी अगली स्लाइड में देखते हैं। अब हम स्टेप टू पे हैं, जिसमें हम पावर पॉइंट्स क्रिएट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होंगे और किस ऑर्डर में होंगे। अभी तक जो हमने आउटलाइन बनाई थी स्टेप वन में, वो पूरे चैप्टर के लिए थी, लेकिन पूरे चैप्टर को हमने एक वीडियो में कवर नहीं करना, बल्कि उसको दो तीन हिस्सों में स्प्लिट करना है, जिसको हम लेक्चर कह देते हैं। हर एक लेक्चर की ड्यूरेशन 15-20 मिनट्स हो सकती है, इसलिए जो हमने आउटलाइन बनाई थी, हम उसको स्प्लिट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हर एक लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस होने हैं। अब ये मेरे पास आउटलाइन है, इसको मैंने दो या तीन हिस्सों में स्प्लिट करना है। मुझे पता है कि जिन टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास एमसीक्यू हैं, उनको समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको इस तरह स्प्लिट करती हूँ कि पहले हिस्से में मेरे पास टॉपिक्स कम हैं मगर मैंने उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, और दूसरे हिस्से में टॉपिक ज़्यादा हैं मगर उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं है। इस तरह मैंने दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया। फर्स्ट हिस्से के लिए मैं एक पावर पॉइंट क्रिएट करूंगी और दूसरे हिस्से के लिए मैं एक पावर पॉइंट क्रिएट करूंगी। स्टेप टू में मैंने दो पावर पॉइंट्स क्रिएट किए हैं अपने आउटलाइन के हिसाब से। हर एक पावर पॉइंट के अंदर मैं सबसे पहले उसकी आउटलाइन डाल दूंगी, जो मैंने आउटलाइन अभी आपको दिखाई थी, ये वाले टॉपिक्स मैंने इसमें डालने थे। और अब मैं इसमें हर एक टॉपिक की एक स्लाइड बना देती हूँ। फर्स्ट टॉपिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक स्लाइड डाल दी, और इससे रिलेटेड जो मेरे एमसीक्यू थे उनका इमेज मैंने एक स्लाइड के ऊपर एक डाल दिया। और अगला टॉपिक वेक्टर्स है, वेक्टर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज डाल दिए। फिर अगला टॉपिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, उससे रिलेटेड टॉपिक्स डाल दिए, और आखिर में वेक्टर एडिशन वगैरह। इस तरह हर टॉपिक और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डाल दिए। और जो दूसरा हिस्सा था, दूसरा जो इस चैप्टर का हिस्सा है, उसके अंदर बाकी की आउटलाइन डाल दी उसी तरह, और टॉपिक्स और फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यू। स्टेप टू की आउटपुट में मेरे पास ये लेक्चर्स होने चाहिए। इनके ऊपर मैंने कोई कंटेंट रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया, आउटलाइन डाली है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पेस्ट कर दिए हैं। इस वीडियो में हम बाकी के स्टेप्स देखेंगे जो हम एंट्री टेस्ट
की प्रेपरेटरी वीडियोस बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। पहले दो स्टेप्स में हमने आउटलाइन बनाई, पावर पॉइंट कंपोज की। अब हम देखेंगे कि हम रिकॉर्डिंग किस तरह करेंगे और आखिरी स्टेप में उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, और उसके बाद हम कुछ यूजफुल टिप्स लेंगे जिनकी मदद से हम अपने वीडियोस की क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं। स्टेप फोर में हमने रिकॉर्डिंग करनी है। स्टेप थ्री के आउटपुट में हमारे पास एक पावर पॉइंट है जिसमें आउटलाइन गिवन है, टॉपिक्स गिवन है, टॉपिक वन और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, और फिर टॉपिक टू और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज एंड सो ऑन। इस स्टेप में हमने इन डेप्थ रिसर्च करनी है। सबसे पहले अभी तक जो हम ये चैप्टर्स पढ़ रहे थे तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें कीवर्ड्स पता चले ताकि हम उनको अरेंज कर सकें, हम उनको इन डेप्थ रिसर्च नहीं कर रहे थे। इन डेप्थ हम इस स्टेप में पढ़ेंगे। रिसर्च से मुराद है कि आप उससे रिलेटेड वीडियोस देखें, उससे रिलेटेड इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स कंसल्ट करें, अपनी बुक पढ़ें, और जब आपको लगे कि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करते हुए आपको कोई कमी महसूस होती है आप दोबारा रिसर्च करें, यानी इस प्रोसेस को आप रिपीट करें 2-3 दफ़ा। अगर आप चाहें तो आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ के एक ही दफ़ा में रिकॉर्डिंग कर लें, अगर आप चाहें तो आप टॉपिक बाय टॉपिक स्प्लिट कर सकते हैं, पहले एक टॉपिक डिस्कस पढ़ा, रिकॉर्ड किया, फिर अगले टॉपिक पर गए। और इसके अलावा आप टॉपिक वन को एक्सप्लेन करने के लिए जितनी भी स्लाइड्स ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप इस पॉइंट पे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्टेप फोर के एंड पे आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। स्टेप फाइव में आप उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, मसलन टाइटल स्लाइड्स और उनसे रिलेटेड बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, फुटर ऐड करना, वीडियो फाइल की आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो आप उसके आउटलाइन में से एक्सट्रैक्ट करेंगे वो लिख सकते हैं, और अगर आप पूरे लेक्चर्स का रिकॉर्ड रख रहे हैं किसी लॉग फाइल के अंदर तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। अब हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिनको इस्तेमाल करके हम अपने लेक्चर्स की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आपने जितने लेक्चर्स बनाए हैं उनका आप रिकॉर्ड एक एक्सेल या किसी और फॉर्मेट में रखें ताकि आपको ये पता हो कि हर चैप्टर के कितने पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चैप्टर के मैंने 3 पार्ट्स बनाए, 1, 2, 3, और हर पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हुए हैं ये उसकी आउटलाइन में से मैंने लिए। ये सब टॉपिक्स फर्स्ट पार्ट में हैं, और इसकी दूसरी रो में मैंने लिखा हुआ है कि हर टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास कितने एमसीक्यू हैं। इस तरह करने से मुझे बार बार पावर पॉइंट खोल के नहीं देखना पड़ेगा, मुझे पता है कि मेरे पावर पॉइंट का क्या फ्लो है, टॉपिक, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करती हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू, तो मैं यहाँ से देख के बता सकती हूँ। दूसरा, अगर मुझे लगे कि एक हिस्से में मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स डाल दिए हैं, जैसे इसको मैंने पिंक इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो मैं यहाँ से देख के कुछ टॉपिक्स को दूसरे में मूव कर सकती हूँ बजाय इसके कि मैं पावर पॉइंट खोलूँ या स्लाइड्स काउंट करूँ या उनकी ड्यूरेशन काउंट करूँ। इस तरह मैंने सारे चैप्टर्स के लिए उनके आउटलाइन में से टॉपिक्स निकाल के रख लिए हैं और उनके नीचे उनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज थे वो डाल दिए हैं। जब आप कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हों तो उसको कुछ अरसे के बाद, 1 या 2 हफ्ते के बाद आप रिव्यू करें, क्योंकि जिस वक्त आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस वक्त आप एक खास स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, और अगर आप कोई मिस्टेक भी करें तो आप उस वक्त रियलाइज नहीं करते, और जब आप बाद में सुनते हैं तो आपको पता चलता है। और फिर अगर आपको लगे कि 1 या 2 स्लाइड्स में कोई मसला है तो आप उसको दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह आपकी लेक्चर्स की ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अगर आप एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाएं तो ज़्यादा जल्दी बात समझ आ जाती है और लोगों को याद रहती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एनालॉजीज और एग्जांपल्स इस्तेमाल करें। एनालॉजी का मतलब होता है कि अगर मैं बता रही हूँ कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे पानी हमेशा ऊपर की सतह से नीचे की सतह पे मूव करता है। और इसके अलावा एग्जाम्पल्स होती हैं, मसलन अगर आप कोई चीज़ बताते हैं जैसे क्रिस्टल लैटिस बता रहे हैं आपके, इस तरह सॉलिड्स की एक फॉर्म होती है, तो फिर आपको इसकी एग्जाम्पल देनी चाहिए, मसलन डायमंड या शुगर एट्सेट्रा। इस तरह जितनी ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स और एनालॉजीज इस्तेमाल करें उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझा सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक कि वो चीज़ क्या है और दूसरा कि उसका बाकी चीज़ों के साथ क्या रिलेशनशिप है। जो रिलेशनशिप होता है इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट अगर आप बताएं हर चीज़ का तो लोगों को चीज़ें याद रखने में बहुत आसानी होती है और उनको समझ भी ज़्यादा अच्छी आती है। मसलन अगर मैंने किसी को ये ABCD समझे कॉन्सेप्ट्स हैं, ए भी समझा दिया और डी भी समझा दिया, मगर उनको ये नहीं पता कि ए और डी का आपस में ये रिलेशनशिप है,
तो वो उस टॉपिक का सही तरीके से अहाता नहीं कर सकते, और स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आया हो तो आप सवालों के जवाब दे सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें, मसलन डी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, तो बताएं कि ये सी बी और ए कॉन्टेक्स्ट टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स के साथ किस तरह रिलेटेड है। इंसान की एक लिमिटेड वर्किंग मेमोरी होती है, इसका मतलब होता है कि एक वक्त में बंदा 3 या 4 से ज़्यादा चीज़ें अपने जहन में एक साथ नहीं रख सकता। इसलिए इसको सामने रखते हुए जब आप लेक्चर दे रहे हैं तो एक वक्त में कम से कम चीज़ें बताएं। मसलन एक स्लाइड के ऊपर आप सिर्फ एक टॉपिक या एक मैसेज डिस्कस करें। मसलन अगर ये ग्राफ है, इसके ऊपर मैं 2-3 पैरामीटर समझा रही हूँ कि ये पीक वोल्टेज है, ये पीक टू पीक वोल्टेज है, ये आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की। इसके बजाय मुझे चाहिए कि मैं 3 स्लाइड्स बनाऊं, हर स्लाइड के ऊपर यही ग्राफ हो, और एक स्लाइड में मैं बताऊं कि ये पीक वोल्टेज है, दूसरी स्लाइड में मैं बताऊं ये पीक टू पीक वोल्टेज है, तीसरी स्लाइड में बताऊं कि ये आरएमएस वैल्यू है। इस तरह आपके नंबर ऑफ स्लाइड ज्यादा होंगे मगर आपके ड्यूरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उतना ही टाइम लगेगा मगर आपकी बात ज्यादा क्लियर और अच्छे तरीके से समझ आएगी। और इसके अलावा आप एक साइड के ऊपर सिर्फ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप 2-3 इकट्ठे डालें, क्योंकि जब आपके सामने इतना कुछ लिखा हुआ होता है तो आपको के जहन को समझ नहीं आ रही थी मैं किस चीज की तरफ देखूं। इसलिए एक स्लाइड के ऊपर कम से कम कंटेंट होना चाहिए। अगर डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट कलर से लिखा जाए तो हमारा जहन ज्यादा जल्दी उस चीज को रीड करता है और प्रोसेस करता है। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि प्रेजेंटेशंस देते हुए डार्क बैकग्राउंड इस्तेमाल किया जाए।